नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रेनों में भीड़, बढ़ने लगी यात्री संख्या, चाचा ने किया अपहरण, तेज रफ्तार ने ली बाइक सवार की जान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ट्रेनों में भीड़, बढ़ने लगी यात्री संख्या। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों के लिए सुविधाओं में विस्तार शुरू कर दिया है। कोरोना काल के बीच संक्रमण की दूसरी लहर के शांत होते ही रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। साथ ही यात्रियों की संख्या में एक बार फिर तेजी से इजाफा देखना शुरू हो गया है। नागपुर रेलवे स्टेशन से सभी रूटों पर चलने वाली ट्रेन एक बार फिर हाउसफुल नजर आने लगी है। वही यात्रा भी तीसरी लहर का खौफ मन से निकालकर ट्रेनों में सवार होने लगे हैं। पिछले डेढ़ वर्षों से कोरोना के कारण विकट स्थिति का सामना कर रही भारतीय रेल के लिए यह बेहतर सिग्नल है। दूसरी खबर, चाचा ने किया अपहरण। पारिवारिक विवाद के चलते चाचा ने अपने 15 वर्षीय भतीजे का अपहरण कर लिया। घटना मानकापुर थाना अंतर्गत की है। इस घटना से परिजन सकते में है और पुलिस विभाग भी परेशान है। दो दिन बीत जाने के बावजूद दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने माड़ा क्वार्टर पीटेसूर निवासी मोहम्मद शरीफ नियामत खान की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी उनका ही भाई मोहम्मद अजलम खान बताया गया है। शरीफ को दो बच्चे हैं, बेटी का विवाह हो चुका है और बेटा शाहबाज 9वीं कक्षा में पढ़ता है। शरीफ और अजमल के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। शरीफ अपने रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में हिस्सा लेने अमरावती गए थे। 1 जुलाई की शाम 4 बजे के दौरान अजमल उनके घर पहुंचा, शाहबाज को अपने साथ ले गया। 2 जुलाई को शरीफ घर लौटे तो शाहबाज गायब था। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने अजमल के साथ जाने की जानकारी दी। शरीफ ने उसे कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मानकापुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। अब तक दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मानकापुर और क्राइम ब्रांच के दस्ते दोनों की खोज में जुटे हुए है। तीसरी खबर, तेज रफ्तार ने ली बाइक सवार की जान। बिड़गांव तिरोड़ी रोड पर धर्मपाल काफी तेज गति से गाड़ी चला रहा था। इसी दौरान नियंत्रण छूट गया और गाड़ी स्लिप हो गई। दोस्तों के साथ ढाबे से भोजन करके लौट रहे एक बाइक सवार की दुर्घटना में मौत हो गई। वह तेज गति से वाहन चला रहा था और गाड़ी अनियंत्रित हो गई। हादसे में उसकी मौत हो गई और दोस्त जख्मी हो गया। मृतक बिड़गांव निवासी धर्मपाल देवीदास बारसागड़े बताया गया। पुलिस ने उसके जख्मी दोस्त निखिल रविंद्र भांगे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार विगत 24 जून की रात निखिल और धर्मपाल अपने दोस्त भूषण वागमारे व संदीप दुपारे के साथ भोजन करने के लिए पार्डी के ढाबे पर गए थे। रात 9:30 के दौरान चारों दो बाइक पर वापस घर लौट रहे थे। बिड़गांव तिरोड़ी रोड पर धर्मपाल काफी तेज गति में गाड़ी चला रहा था। इसी दौरान नियंत्रण छूट गया और गाड़ी स्लिप हो गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।